याद करिए अपने स्कूल के दिनों को, जब भी आप कोई कंपटीशन जीतते थे या आप क्लास में टॉप करते थे तो आपको एक प्राइज दिया जाता था, जिसकी वजह से आप और आपके दोस्त भी काफी मोटिवेटेड फील करते थे। और आज मैं एक ऐसे ही प्राइज के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको दुनिया भर के ब्रिलियंट माइंड्स को दिया जाता है उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज को सेलिब्रेट करने के लिए। और मैं बात कर रहा हूँ नोबेल प्राइज की, जो कि 1901 से होप और रिकग्निशन का एक सिंबल बना हुआ है। हेलो, मेरा नाम है अंकित और मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में नोबेल प्राइज की हिस्ट्री, उनकी इम्पोर्टेंस, 2024 में नोबेल प्राइज विनर्स के बारे में और उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज के बारे में। नोबेल प्राइज को एस्टैब्लिश किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, जो कि एक स्वीडिश इन्वेंटर और साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपनी विल में ये स्पेसिफाई किया था कि हर साल नोबेल पुरस्कार उन इंडिविजुअल्स को दिया जाना चाहिए जो इन 6 कैटेगरीज में अपनी डिस्कवरीज के थ्रू मानव जाति का सबसे ज़्यादा भला करेंगे। और ये 6 कैटेगरीज हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, पीस और इकोनॉमिक साइंसेस। हालांकि इकोनॉमिक साइंसेस को नोबेल प्राइज की कैटेगरीज में 1968 में ऐड किया गया था। सबसे पहली बार नोबेल प्राइज दिया गया था 10th of December 1901 को, अल्फ्रेड नोबेल की 5वीं डेथ एनिवर्सरी को मार्क करते हुए। और सबसे पहला नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया था जीन हेनरी और फ्रेडरिक पैसी को, जिनमें से जीन हेनरी इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के फाउंडर भी हैं। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि जब भी कोई नोबेल प्राइज जीतता है तो उसको क्या क्या मिलता है। कोई भी नोबेल प्राइज 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला, एक गोल्ड मेडल दिया जाता है जो एक्सीलेंस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, उनको एक डिप्लोमा दिया जाता है जो उनकी अचीवमेंट पर मुहर लगाता है। और तीसरा, एक मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है जो कि हर साल चेंज होता रहता है फाउंडेशन के फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पर, जो कि अब की बार एक नोबेल प्राइज विनर को 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन्स मिले हैं, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 9.25 करोड़ रुपए होते हैं, 9.25 करोड़ रुपीस। और सभी कैटेगरीज के नोबेल प्राइज विनर्स को ऑनर करने के लिए बुलाया जाता है स्टॉकहोम में, और वहां पर उनको नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, एक्सेप्ट नोबेल पीस पुरस्कार। नोबेल पीस प्राइज को दिया जाता है नॉर्वे देश के ओस्लो शहर में। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2024 में नोबेल प्राइज दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकिन को। उन्होंने माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी की है और उसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया है, जिसकी वजह से हम कैंसर जैसी बीमारियों को और अच्छे से समझ पाएंगे। फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंटन को। उन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स में एक फाउंडेशनल डिस्कवरी की है जो कि मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया गया है 3 साइंटिस्ट्स को, डेविड बेकर, डेमिस हसाविस और जॉन जंपर को। उनको प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया गया है हैन कैंग को, उनकी इंटेंस पोएटिक प्रोज के लिए, जो एक्सप्लोर करती हैं ह्यूमन लाइफ की फ्रेजिलिटी को। नोबेल पीस पुरस्कार थोड़ा सा स्पेशल है अब की बार, बिकॉज ये दिया गया है जापान में हुए न्यूक्लियर हमलों के सर्वाइवर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका नाम है निहोन हिंडांक्यो। इनको रिकग्नाइज किया गया है इनके एफर्ट्स के लिए दुनिया को न्यूक्लियर वेपन फ्री बनाने के लिए। इकोनॉमिक साइंसेज में भी नोबेल पुरस्कार 3 साइंटिस्ट को दिया गया है, डैरन, साइमन जॉनसन एंड जेम्स रॉबिन्सन को। उनको नोबेल मिला है उनकी रिसर्च के लिए, जो कि है कि कैसे इंस्टीट्यूशंस फॉर्म होते हैं, कैसे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोस्पेरिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मिलते हैं अगले हफ्ते एक और एक्सप्लेनर के साथ। तब तक अंकित हरिदास साइनिंग ऑफ।